हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। चलिए आज मैं रोजाना की तरह एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूं, जिसमें मैं समझना है कि ये एक सर्किट दिया गया है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से है ना, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये पॉइंट ए है ना, और ये वाला पॉइंट बी है। अब यहाँ से अगर अपन मान लो कि बैटरी लगा दी मैंने, है ना, बैटरी लगा दी और आपसे पूछ दिया जाए कि यहाँ से कितनी करंट निकलेगी, यस, यानी ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है ना, कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या नेट रेजिस्टेंस है, ये वाली चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। जबकि ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 16 है, इसकी भी 16 है, इसकी भी 16 है ना, ये पूरा इस पैटर्न में लगाया गया है। तो इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं और इसमें निकलने वाले टोटल करंट कितनी होगी, अगर मान लो कि यहाँ पर मैं, है ना, यहाँ पर मैं लेट से 32 वोल्ट दे दूँ या वाट एवर कुछ भी दे दूँ, तो यहाँ से कितनी करंट निकलेगी, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने से पहले एक बात और मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूँ, मैं इसके अलावा अकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर भी आप मुझसे मिल सकते हो। और वहाँ पर एक बेहतरीन चीज़ें अभी चल रही है और वो चल रही है UCL अनअकेडमी चैम्पियन लीग, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, है ना, JEE की प्रिपरेशन के लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और वो है एक, है ना, SI एप्टीट्यूड टेस्ट 26 को, है ना, 1 बजे के बाद। कोड यूज़ करना है आपको श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर। और अनअकेडमी चैंपियन लीग के अंदर आप देखेंगे कि पार्टिसिपेंट विन करेगा मेगा प्राइज और ये लकी ड्रा पर बेस्ड होंगे और इतने सारे अमेजिंग प्राइज आपको मिल सकते हैं अगर आपकी किस्मत ने, है ना, थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दिया आपको तो मज़ा आ गया, है ना, और यहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं और प्राइसेस तो ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छी हैं। और ITJEE का, है ना, दिसंबर ऑफर भी चल रहा है कि अगर 6 मंथ का बाय करोगे तो 1 मंथ का एक्सटेंशन पक्का मिलेगा, दूसरा 18 मंथ का अगर बाय करोगे यानी 1.5 साल का तो उसके अंदर 2 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको श्याम भाटिया फिजिक्स कोड डाल के इसको इनरोल कर लेना है जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। साथ ही साथ आपको, है ना, 22nd ऑफ द दिसंबर तक ये वैलिड है, उसके बाद फिर नहीं, है ना। यहाँ देखिएगा कि एज बैच ऑलरेडी स्टार्ट होने वाली है, कब, 22nd दिसंबर को, तो इसमें ये एजुकेटर हैं और एक स्ट्राइकर बैच, ये भी 27 को, और एक्सीलेंस 20 बैच भी स्टार्ट होने वाली है 22 दिसंबर को। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इसको बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, काम की चीज़ है ना। और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई, तो जल्दी जल्दी आप टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अपनी प्रिपरेशन, अपने नॉलेज को तोलने का एक सही से साधारण सा एग्जाम्पल यही है कि आपकी, है ना, प्रिपरेशन की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको कोड यूज़ करना है श्याम भाटिया फिजिक्स कोड यूज़ करके आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और ये बूट कैंप वाला प्रोसीजर चल रहा है, इसको देख सकते हो, जहाँ पर अच्छे अच्छे टीचर्स आपको, है ना, होस्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को मैं क्लीन कर देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी से है ना, जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है ना, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे काम करेंगे इस पर, तो देखो यहाँ से ये पूछा है कि 12 रेजिस्टेंस कितने, 12 है ना, 1 2 3, है ना, 3 2 6, 3 3 9, 3 4, पर देखेंगे कि आपके 16 ओम जो है ये वाला लगा हुआ है और यहाँ पर ए है और यहाँ पर है बी, है ना। तो ये ए और बी क्या किया गया है, दो टर्मिनल है। अब इन टर्मिनल के बीच में आपको करंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आर ए बी आपको फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कितना है, सेम पोटेंशियल पर है। कैसे हैं, सेम पोटेंशियल पे, यानी इनके बीच में कोई भी, है ना, कोई भी सेम पोटेंशियल या वोल्टेज पर आ गया, है ना, सेम वोल्टेज पे आ गए। तो अब इनको, इन पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कितना है, 16 ओम है, ये भी कितना है, 16 ओम, सभी 16 ओम कहने का अर्थ है। तो ये और ये पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, चिपका दिया। तो ये वाला कैसे आ गया, ये वाला कैसे आ गए, सभी पैरेलल में आ गए। इतनी कहानी क्लियर हुई, ये सभी चीज़ कैसी आ रही है, पैरेलल में। ऐसी कैसी कंडीशन किसकी बन रही है, इसकी बन रही है। ऐसी कैसी कंडीशन किसकी बन रही है, इसकी बन रही है, है ना। तो देखो यहाँ से जो कंडीशनल चीज़ें आ रही है वो मैं समझा देता हूँ आपको। तो ये वाली जो आ रही है, ये वाला कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो ये 16/3 ओम हो गया, है ना, ये कितना हो गया, 16/3 ओम हो गया। यहाँ पर आ जाइए, फिर ये आपके पास आ गया, ये भी कितना है, 16 16, यानी कहने का अर्थ है कि 1/r निकालेंगे तो 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, तीनों क्या है, पैरेलल में है। तो ये 1/3/16, तो निकालना तो हमें r चाहिए,
तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16/3 आ जाएगा। तो ये लेट से आर वन मैंने बोल दिया है ना, तो ये आर वन तो ऐसा ही कितना हो जाएगा 16/3 ओम हो जाएगा है ना। यहाँ से भाई फिर क्या आ जाएगा, ये भी 16/3 आ जाएगा है ना, ये भी 16/3। अब ये वाले पॉइंट्स जो थे अपने कितने थे, ये लेट से बी दिया था और ये लेट से मुझे क्या दिया था, ए दिया गया। अब यहाँ पर भी तो ये वाली चीज़ आ रही है, तो ये भी कितना आ जाएगा 16/3 ओम आ जाएगा है ना। अब ये अपन ने इनको पैरेलल के कंसेप्ट से सॉल्व कर लिया, इसको पैरेलल के कंसेप्ट से सॉल्व कर लिया। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, अब आपको जो चाहिए वो यह चाहिए कि अब इनके ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालें। तो देखो ये एक दो और ये तीन, ये कैसे हो गए सीरीज में, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया इनका। तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया तो कितना हो जाएगा, सिंपल एडिशन हो जाएगा 16/3 है ना, +16/3 +16/3 है ना। तो ये कितना हो गया 3 × 16/3/3, तो 3 से 3 कटा, तो ये टोटल कितना आ गया 16 ओम आ गया। यानी अब जो मैं स्टोरी पे कहने जा रहा हूँ आपके सामने, ये कितना आ गया 16 आ गया, और यहाँ से जो ये आ रहा है ये अभी अभी मुझे पता नहीं है, तो ये कितना आ गया 16/3 ओम आ गया, ये ए और ये बी, और ये कितना है 16 ओम आ रहा। इतनी स्टोरी क्लियर हुई कि नहीं हुई, हो गई। अब ये जो आ गया है, ये जो सो जो कुछ भी आ गया आपके सामने, अब इसकी हकीकत क्या है, ये आपस में बोलो ये कैसे हो गए पैरेलल में हो गए, ये आपस में क्या हो गए पैरेलल में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें वापस पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 × 16/3 अपान बोलो है ना, ये या तो ये वाला लॉजिक लगा लीजिए या फिर जो भी अपना सिंपल लॉजिक जो लगता है उसको आप लगा सकते हैं। आर एक्चुअल में जो इक्विवेलेंट निकाला जाता है वो, तो उसके लिए फार्मूला कितना था 1/r है ना, तो 1/16 है ना, ये वाला 16 हुआ, फिर एक 16/3 तो 1/16/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/16 और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये भी 16 हो गया। यानी कहने का अर्थ कि 1/r है ना, 1/r और ये वाला कितना आ जाएगा 3 × 1 = 4 तो 4/16 है ना। तो यहाँ से सिंपली 1 कटा और ये 4 टाइम्स कटा, तो 1/r की वैल्यू कितनी आ रही है 1/4 आ रही है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो r जो ab के इक्वल अक्रॉस आएगा वो कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा है ना, ये कितना आ जाएगा 4 ओम, और विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन कैसा है जो कि 4 ओम आ रहा है। अब यहाँ से a और b के बीच में कितना रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 4 ओम आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे बैटरी लगा दीजिए है ना, यहाँ पर बैटरी कुछ भी लगा दीजिए, लेट से मान लो कि यहाँ पर बैटरी 20 ओम की लगा दी या 20 वोल्ट की, ओम की तो होती है कि बैटरी नहीं होती, इतना वोल्ट आ गया। तो V इज इक्वल टू क्या करेंगे IR लगा देंगे, V कितना दिया लेट से मैंने 20 दे दिया, I यहाँ निकालना है, R कितना आ गया 4 एम्पियर हो गया, तो यहाँ से 20/4 नथिंग बट 5, यानी आई की जो वैल्यू आ जाएगी 5 एम्पियर आ जाएगी। बैटरी अगर चेंज करोगे तो ये आई की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। यानी इस टाइप से हम बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं इसमें है ना, बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक का, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ, बाय बाय।